हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं नए डॉन के बारे में। यस फ्रेंड्स, नए डॉन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। डॉन 3 के बारे में फ्रेंड्स हमें पता चल चुका है कि उस मूवी में अब कौन सा डॉन नया आने वाला है। बात करेंगे फ्रेंड्स डॉन 3 के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, डॉन फ्रेंचाइजी के बारे में आप जानते ही होंगे। 1978 से फ्रेंड्स ये डॉन फ्रेंचाइजी चली आ रही है, जब से फ्रेंड्स इस लीगेसी को शुरू किया था अमिताभ बच्चन ने। 1978 में फ्रेंड्स डॉन मूवी आई थी, जब फ्रेंड्स हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब। तो फ्रेंड्स तब से हम देखते आ रहे हैं कि उस पर राज अमिताभ बच्चन का ही रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन का राज होने के बावजूद 2006 में फिल्म के मेकर्स ने इससे कोशिश की छेड़छाड़ करने की, और फ्रेंड्स उन्होंने डॉन सीरीज को रीबूट करने का फैसला लिया। और फ्रेंड्स वहां पर डिसीजन लिया गया कि डॉन का आप जो रोल प्ले करेंगे फ्रेंड्स वो शाहरुख खान प्ले करेंगे। और फ्रेंड्स तब भी बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि शाहरुख खान कैसे रोल प्ले कर सकते हैं अमिताभ बच्चन का, डॉन तो सिर्फ एक ही है अमिताभ बच्चन। लेकिन फ्रेंड्स जब उन्होंने रोल प्ले किया तो रोल ऐसा प्ले किया डॉन का कि फ्रेंड्स लोग अमिताभ बच्चन को भूल गए, और फ्रेंड्स एक नया एरा शुरू हुआ तब 2006 में। और फ्रेंड्स उसके बाद एक ऐसी ओपन एंडिंग रखी गई कि 2011 में डॉन 2 भी आई, जिसे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत ही प्रेज किया। फ्रेंड्स मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मुझे डॉन 2 बहुत ही अच्छी लगी थी, जिसमें फ्रेंड्स जो शाहरुख खान का लुक था ना बहुत ही ऑसम था। फ्रेंड्स उस लुक को मैं आज तक नहीं भूल सकता, वो लुक जो इतना कातिल लुक दिखाया गया था शाहरुख खान का। और फ्रेंड्स उस लुक को आज भी अगर मैं सोचता हूं तो उसे रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। एक डेकेड हो चुका है फ्रेंड्स डॉन की मूवी आए, और अब फ्रेंड्स फरहान अख्तर के द्वारा एक हार्टफेल्ट नोट भी वहां पर दिया गया कि शाहरुख खान को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने ये भी बताया कि अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करना तब भी बहुत मुश्किल था, और फ्रेंड्स अब शाहरुख खान को रिप्लेस करना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स टाइम के साथ चीजें बदलनी पड़ती हैं, और फ्रेंड्स ऐसा ही अब फरहान अख्तर ने सोचा है जो डॉन 3 बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें नया डॉन देखने को मिलने वाला है, जो कि नन अदर देन फ्रेंड्स रणवीर सिंह रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि परफेक्ट रोल रहेगा रणवीर सिंह का, जो कि फ्रेंड्स रिप्लेस करेंगे शाहरुख खान को। और मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स आज के टाइम में अगर कोई भी एक्टर्स में बात करें तो कोई भी एक्टर्स जो है रणवीर सिंह से अच्छा रोल प्ले कर सकता है डॉन का। अब फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर बहुत सी यहां पर डिस्कशन चल रही है। कई लोग बहुत ही खुश हैं रणवीर सिंह के डॉन बनने से, और फ्रेंड्स कई लोग बहुत ही नाराज हैं। नाराज वो लोग हैं फ्रेंड्स जो शाहरुख खान के पक्के फैंस हैं। मैं भी शाहरुख खान का फैन हूं, लेकिन फ्रेंड्स अब टाइम तो एक आता ही है कि जब किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ता है पुराने बंदे को। तो फ्रेंड्स वही टाइम आया है, अब रणवीर सिंह रिप्लेस कर रहे हैं शाहरुख खान को। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि रणवीर सिंह डॉन का रोल बहुत ही बढ़िया प्ले करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स उन्होंने पहले भी विलन के रोल बहुत ही बढ़िया प्ले किए हैं। पद्मावत में फ्रेंड्स उनका खिलजी का रोल मुझे नहीं भूलता, जो उन्होंने रोल प्ले किया था इतना डार्क टेंस रोल था, वो बहुत ही बढ़िया रोल था। और फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ रोल रहने वाला है डॉन का भी। तो डॉन का जो अब टीजर रिलीज हुआ है उसमें फ्रेंड्स जो रणवीर सिंह नजर आए हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स उसके बाद ये एक्शन पैक मूवी रहने वाली है, इसमें बहुत सारा एक्शन भर भर के देखने को मिलने वाला है। और ये मूवी फ्रेंड्स आने वाली है 2025 में। अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन फ्रेंड्स ईयर बता दिया गया है 2025 में हमें डॉन 3 देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्रेंड्स इस मूवी को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं कि अब रणवीर सिंह डॉन का रोल कैसे प्ले करेंगे। अब भाई 11 मुल्कों वाली लाइन तो अभी तक आज तक रिप्लेस नहीं हो पाई, 11 मुल्कों की पुलिस आज तक डॉन को नहीं पकड़ पाई। वो 1976 से चली आ रही है और आज 2023 तक ये मूवी में अभी तक भी ये लाइन कायम है। तो फ्रेंड्स इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमिताभ बच्चन ने क्या छाप छोड़ी थी इस डॉन फ्रेंचाइजी पर, और उनको तो आज तक भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, तो शाहरुख खान को कैसे रिप्लेस करेंगे। तो ये तो मुश्किल काम है ही है, लेकिन फ्रेंड्स अब रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो में कि आपको कैसा लगा रणवीर सिंह का रोल डॉन 3 में, आप रणवीर सिंह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं डॉन 3 में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ।